अभी जहाँ पे टी शर्ट देखी है भाई साहब वो 25,000 की टी शर्ट है। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी यहाँ पे तो चाइना में हमारी नए दिन की शुरुआत हो गई है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो 8 बज चुके हैं, रात थोड़ा लेट सोया था, 8 तो बज गए हैं, लेकिन शुरुआत थोड़ी वही चाइना में जो मुश्किलें आती हैं उससे हो चुकी है। मेरे को कपड़े प्रेस करने के लिए भी प्रेस चाहिए थी, तो वो मंगवाने के लिए सुबह सुबह ही कम से कम 20-25 मिनट के लिए जंग लड़ी है, तो जाके प्रेस आई है। और उसके बाद भी प्रेस भी मैंने कैसे मंगाई है, पहले मैंने फ़ोन ट्रांसलेट में वो लिखा, मेरे को पहले तो फ़ोन पे बोलता रहा उनको कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने ट्रांसलेटर में लिखा, ट्रांसलेटर से बुलवाया और फ़ोन में उनको सुनवाया, तो जाके प्रेस आई है। तो मतलब सुबह सुबह शुरुआत हो गई है। अभी उसके बाद प्रेस भी जो आई है वो भी कभी की नहीं है, ये प्रेस दे के गए हैं, अभी पहले कभी यूज़ की नहीं है। देखी तो है टीवी वगैरह में सारी चीज़ों में, लेकिन ये अभी यूज़ कैसे करनी है, अब ये भी पंगे वाला काम है। देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। कोई बात नहीं, आज दिन का नया ब्लॉग शुरू करते हैं और चलते हैं एपिसोड 2 की ओर, और देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। आपको भी साथ साथ में पूरा चाइना का जहाँ जहाँ जाएंगे पूरा घुमाने की कोशिश करेंगे। कल के एपिसोड में आपको रोम तो दिखाई दिया था, ये रोम का छोटा सा व्यू दोबारा दे देता हूँ। अभी नहाया नहीं हूँ, फटाफट नहा के रेडी होता हूँ और चलते हैं नए दिन की शुरुआत करते हैं। बस नहा के निकलते हैं। अभी जस्ट तैयार होके बाहर आ गया हूँ, बस अभी निकलते हैं काम के लिए। अभी ये होटल का व्यू दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, आज काम कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ के ना मैंने टिशू देखे, टिशू बहुत ज़बरदस्त होते हैं यहाँ पे। ये देखो, ये टिशू का पैकेट है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का होता है टिशू वगैरह यहाँ पे। छोटे चाहिए, छोटे भी हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के टिशू हैं इनके। अभी मेरे को कुछ सामान तो बड़ी बढ़िया लग रहा है, जैसे टिशू वगैरह लेने थे, लेकिन चक्कर ये है कि मैंने जिस बंदे को अपने दोस्त को ना USD दिए थे चेंज करेंसी चेंज करवाने के लिए चाइना की करेंसी के लिए, लेकिन वो देना शाम को भूल गया मेरे को, तो अभी वो थोड़ी देर में देगा, तो फिर कुछ अपने को पसंद आ रहा है जो आ रहा है वो लेंगे अपन। ये पता नहीं क्या है भाई, कीड़े मकोड़े टांग रखे हैं, हाथ लगाने का डर लग रहा है, पता नहीं क्या पैर पूरे बत्तख के क्या है ये। और यहाँ पे ना स्टोरों वगैरह में जो भी यहाँ पे बिजनेस ज़्यादातर होते हैं ना, ज़्यादातर आपको 99% लड़कियाँ ही मिलेंगी, 1% हो सकता है कहीं लड़के ही बैठे हों, ज़्यादातर लड़कियों ने ही काम पूरा संभाला होता है। ये अपना होटल है सामने जिसमें रात को रुके थे, ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है। बस होटल तो बढ़िया है, रहने में भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बस एक ही दिक्कत है, किसी को ना इंग्लिश आती ना कोई और भाषा आती, सिर्फ ये अपनी ही भाषा बोलते हैं चाइनीज़। जो भी आपको चाहिए इनकी भाषा में बताओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो थिम्बोथोम इनकी भाषा में बोलते हैं, दफाओ जो मर्जी करो, थिम्बोथोम मतलब।
अभी जस्ट दूसरी जगह के लिए काम के लिए निकल गए हैं, अभी निकला हूँ बस। बालों में भी कुछ तेल तूल कुछ नहीं लगाया आज, था ही नहीं, लगाना कहाँ से। तो अभी बस निकले हैं, तो बस एक कॉफ़ी ली है स्टारबक्स से, ये पियेंगे बस। और दोस्त आया था मेरा, उसने करेंसी भी दे दी अपने को थोड़ी सी, जिससे अपना काम चल जाएगा। और बंदा मतलब बेचारा, इतनी बारिश हो रही है फिर भी आया इतनी बारिश में। हालांकि वो इतना मतलब बड़ा बंदा है, मतलब कि कंपनी का पूरा प्रॉपर, जैसे होती है ना 300-400 करोड़ की कंपनी, उसका मालिक है। लेकिन बेचारे बंदे इतने अच्छे हैं कि इनकी जितनी तारीफें करो उतनी कम है। इतने अच्छा बंदा कि खुद बैग उठाता है, सब कुछ करता है, इतनी हेल्प करता है ना यहाँ पे आके जब भी आता हूँ। तो मतलब जो भी इनकी बयान किया जाए ना, इनकी तारीफ, वो भी कम है। अभी बस निकला हूँ दूसरी जगह, निकलते हैं फटाफट, काम निपटाते हैं आपके जो भी हैं। फिर जैसे आप जाएंगे, आपको नज़ारे जो भी दिखेंगे, जो भी करेंगे, वो सारा दिखाएंगे। अभी चाइना में एक तो पता ही आपको, लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है, लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है, और राइट साइड सीट जैसे को पसेंजर की सीट होती है, उल्टा सिस्टम है यहाँ पर चाइना में। अभी जस्ट पहुंच गया हूं जहां पे मेरे को काम था थोड़ा सा। अभी यहां पे फटाफट काम निपटाऊंगा और निकलते हैं आगे, जो भी काम करेंगे या मार्केट में निकलते हैं वो देखते हैं। एक बार काम निपटाता हूं फिर उसके बाद मिलता हूं आपको। थोड़ा सा ऑफिस का इनका व्यू दिखाता हूं। ऑफिस इतना जबरदस्त बना रखा है भाई साहब, पूछो मत। मसाज चेयर यहाँ पर है, खाने पीने का, फ्रूट यहाँ पर इतने बढ़िया फ्रूट है कि बंदा एक बार देख ले बस तो उसका दिल ऐसे करता कि सारे खा जाओ, इतने मीठे इतने बढ़िया फ्रूट हैं। अभी जस्ट काम ख़त्म करके अब थोड़ा शॉपिंग के लिए निकला हूँ। उसने जगह बताई, कहते को यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है कपड़े की, एक्सपोर्ट सारी करते हैं काम से, काफ़ी जगह जाता है, पूरे वर्ल्ड में जाता है यहाँ से। तो वहाँ देखता हूँ वहाँ पे कुछ कपड़े अगर समझ आते हैं तो, एक वहीं पर जा रहा हूँ और उसकी गाड़ी में जा रहा हूँ, बंदे की जिसके पास मीटिंग करने गया था। उसने अपनी गाड़ी भेजी है, पोर्शे भेजी है उसने भाई साहब, अपनी पूरी बढ़िया गाड़ी, लग्जरी गाड़ी, नई गाड़ी भेजी है। अभी उसमें मार्केट में जा रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या मिल पाता है, शॉपिंग में कुछ समझ आता है कि नहीं आता, एक बार आपको सीधा मार्केट में ही मिलता हूँ। अभी बस शॉपिंग मॉल के अंदर एंट्री की है, अभी देखते हैं यहाँ पर कुछ मिल पाता है कि नहीं। अभी जो मेरे आज का जहाँ पे मीटिंग थी वहाँ पे उन्होंने अपना एम्प्लॉय साथ में भेजा एक बार। ओके अभी देखते हैं, क्लॉथ वगैरह कुछ मिलते हैं बढ़िया तो ले पाएंगे, लेंगे नहीं तो जरूरी नहीं है कि ले लेना है। ये ड्राइवर बंदा अपने से एम्प्लॉई साथ में भेजा हेल्प के लिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। कपड़ा तो स्टफ तो लग गया। अभी उस दुकान से तो बाहर आ गया हूँ, कुछ खास था भी नहीं, लेकिन रेट इतने महंगा था कि कुछ मत। एक छोटी सी सिंपल सी टी शर्ट ही 7,500 की, 6,000 की डे के हिसाब से थी, 600 RMB की थी। 600 RMB को अगर इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो मोटा मोटा 7,000 के आसपास बैठता है। तो टी शर्ट भी तो खास नहीं थी, तो उसमें तो बाहर आ देखता हूँ कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं महंगा नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि लगे पता इंडिया में वही चीज़ 1,000-1,500-2,000 मिल रही हो, यहाँ पर 8-10 हज़ार का लेके निकल जाऊँ, देखते हैं कुछ समझ आता तो।
这个你能听懂吗？这是，这是。No discount. No discount. Discount no.इसमें से बाहर आ ही गया हूँ मैं, क्योंकि ऐसी बेकार सी टी शर्ट थी और मोटा मोटा 6,500 रुपया मांग रहे। मेरे को लग गया पता यहाँ नहीं कुछ दाल गलने वाली अपनी, जिस हिसाब से अगर या तो आइटम वैसी हो ना तो मानना भी बेकार सी। अब 1,000-1,500 रुपये की टी शर्ट, 500 की टी शर्ट, 7,500 रुपये भी लेके मरना है यहाँ पर। देखते हैं कुछ समझ आता नहीं तो चलते हैं बाहर। अभी इस दुकान से भी बाहर आ गया हूँ, मतलब इनको पता नहीं ये भाई कहाँ लेके आ गया मेरे को। इसको ऑर्डर बड़े बड़े देता हूँ इसके मालिक को, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये ऐसे करेगा मेरे साथ। अभी जहाँ पे टी शर्ट देखी है भाई साहब, वो 25,000 की टी शर्ट है, 2390 RMB उस पर आप लिखा हुआ प्राइस, 2500 कुछ RMB, तो मोटा मोटा वो बैठ रहा है 26-27 हज़ार रुपये बैठेगा। बेकार से इतनी 26-27 हज़ार की टी शर्ट क्या सोच के पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। इनको लगता है कि ऑर्डर बड़े बड़े मिलते हैं तो टी शर्टें भी बड़ी बड़ी लेगा बंदा। इसको नहीं पता कि हम मतलब नॉर्मल टी शर्टें पहनने वाले बंदे हैं। देखते हैं ऊपर क्या समझ आता है, नहीं तो मेरे को लग समझ तो क्या आना है, लग गया पता कि यहाँ से बाहर जाना खाली हाथ। बस अब थोड़ा सा घूम के इसको थोड़ा सा घुमा दूँगा ताकि इसको लगे भी हाँ बंदा इंटरेस्टेड है। बाकी इसको घुमा के फिर थोड़ा खुद घूम के निकलते हैं बाहर। सनफ्लावर वाटर बस थोड़ा बहुत यहाँ पे घूम लिया, अब चलते हैं होटल में। होटल बुक किया, देखते हैं वो कैसा है, क्योंकि अर्जेंटली अभी तुरंत बुक किया है अभी, क्योंकि लोकेशन का पता नहीं था, आइडिया नहीं था कहाँ रुकेंगे आज रात को, तो अभी जस्ट बुक किया। देखते हैं होटल में चलते हैं सीधा, अभी ना हो गया जो शॉपिंग का करना था, अभी चलते हैं होटल में। अभी बस जस्ट काम निपटा के सारे दिन के आज होटल में अभी पहुंच गया हूँ। आज होटल जो भी लिया था बस अभी जस्ट 2 मिनट पहले अंदर एंट्री ली है। पूरे दिन की थकान है, आराम से अभी रेस्ट करेंगे मस्त होटल में। आज जो होटल लिया है वो कल के होटल से थोड़ा सा महंगा पड़ा है, और कल के होटल से छोटा कमरा है। आपको पहले छोटा सा कमरा जो मिल लिया मैंने अभी, ये आपको पहले तो उसका कमरा पूरा दिखाता हूँ। आप अभी जैसे कमरा पूरा देखो, पूरा बढ़िया कमरा है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि कमरे में कोई कमी है, कमरा बहुत बढ़िया है। बस थोड़ा सा कल के मुकाबले छोटा है, लेकिन पैसे कल के मुकाबले में ज़्यादा है। कल जो ये रूम लिया था मैंने, कल वो लगभग 499 RMB के आसपास चाइनीज़ युआन जो है उसके आसपास पड़ा था, लेकिन जो आज का रूम मेरे को पड़ा है वो पड़ा है 799 RMB।
आज का रूम 799 आरएमबी है, वो मोटा मोटा इंडिया के हिसाब से अगर जोड़ेंगे तो 10,000 रुपये के आसपास का है। और कल वाला मेरे को पड़ा था कोई इंडिया हिसाब से सोचेंगे तो 6200-6300 के आसपास पड़ा था कल वाला। आज का रूम महंगा है क्योंकि ये थोड़ा सा ना सिटी के अंदर है, इसलिए थोड़ा महंगा रूम है। कल वाला इसलिए सस्ता था, थोड़ा सा सिटी से बाहर था वो, लेकिन रूम बहुत बड़ा था वो। कोई बात नहीं, बढ़िया रूम है, छोटा तो है लेकिन बढ़िया रूम है, ऐसा नहीं कोई कमी है रूम में। अब बारिश बहुत बार ज़्यादा हो रही है बाहर, बाहर सुबह से बारिश लगी पड़ी है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही, उस वजह से छोटे मोटे काम और जो करने होते हैं वो सारे रुक जाते हैं। तो फिर आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे और मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। आज का एपिसोड हम कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म। सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। और जिस लोगों ने अगर पुराना एपिसोड कोई नहीं देखा है तो वो देखना चाहते हैं, चैनल पे जाके पुराना एपिसोड जो आया था वो आप देख सकते हैं। और लाइक अगर करना चाहें, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। बटन दबाओ, बटन ऑन, बटन दबाओ, बटन ऑफ। ये देखो, योग दबाया, ये कर्टन बंद हो गया, ये बटन दबाया, कर्टन ऑन का, कर्टन ऑन हो गया।